हेलो नमस्ते, और आपका स्वागत है एक और फिगर कार्ड रीडिंग में। और ये फिगर कार्ड रीडिंग होगी फॉर लक एंड प्रॉस्पेरिटी। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। तो आपको तीन में से एक पाइल चूज करने हैं और हम ये रीडिंग शुरू करेंगे पाइल 1 के साथ। तो चलिए देखते हैं कि आपके मनी से रिलेटेड क्या मैसेजेस आ रहे हैं और कैसे आप अपने जिंदगी में और भी ज्यादा लक और प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहली बात तो यह है कि आपके लाइफ में और भी ज्यादा सेल्फ लव की जरूरत है, आपको और भी ज्यादा खुद को कंपैशन देने की जरूरत है। आप बहुत ही ज्यादा खुद पे हार्ड हो जाते, तो बहुत ही ज़्यादा खुद को प्यार देने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, खुद के साथ कंपैशन रखने की ज़रूरत है और पेशेंस को प्यार करने की ज़रूरत है। तो पेशेंस के साथ आपको शांति बनाए रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ खुद को भी ना कोसते हुए खुद के साथ कामनेस के साथ आपको रहना है, खुद को और भी ज़्यादा सेल्फ लव देते हुए। आपको और भी ज़्यादा सेल्फ कंपैशन और सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 बिफोर वी बिगिन द रीडिंग। सो लेट्स सी आपके मनी के प्रीडोमिनेंट ब्लॉक क्या है। सो आपके मनी के प्रीडोमिनेंट ब्लॉक जो मुझे दिख रहा है कि आपके पास सडनली मनी आते हैं, सडनली चले जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास पैसे आ जाते। तो आपकी एक ऐसी मेंटालिटी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अल्टीमेटली मेरे पास अगर पैसे नहीं भी है तो कोई ना कोई तरीके से पैसे आ जाते हैं और ज़्यादा अमाउंट आते हैं जितना कभी नहीं थे। ये आपके पैटर्न है। सो आपके पैटर्न कहीं ना कहीं ये है कि चाहे ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहे, चाहे कुछ भी इश्यूज हो रहे, कोई ना कोई तरीके से चीज़ें सॉल्व हो जाते हैं और आपके पास पैसे आ जाते, सल्यूशन आ जाते और एक नए लेवल अप, एक नए ब्रेक थ्रू आपके ज़िंदगी में आ जाते। और ये चीज़ को लेके आप पूरे तरीके से श्योर हो और ये चीज़ ही आपको आगे ले जाते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि यही चीज़ को लेके आपके अंदर एक फेथ है, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट है कि भगवान आपके साथ है एंड यू आर बॉर्न टू विन। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू डेफिनेटली होल्ड ऑन टू दिस belief system forever, because this is what is going to take you long long way. आपके लाइफ में बहुत से लोग आए थे जो अच्छे नहीं थे, जो फॉल्स थे, जो बुरे थे, जो आपको बहुत ही मैनिपुलेट कर चुके हैं। आपके आसपास बहुत से लोग थे जो आपको मैनिपुलेट करने के लिए बैठे थे, आपको इंटिमिडेट करने के लिए बैठे थे, आपको पावरलेसनेस में बहुत ज़्यादा रख चुके हैं। और ये सारे जो फॉल्स लोग हैं, ये सारे जो लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे लोग आपके एनर्जी फील्ड में हैं सिंस द मंथ ऑफ अगस्त। और इन लोगों की वजह से आपके एनर्जी में ड्रेनेज काफ़ी हद तक आया है, आपको पावरलेसनेस की एनर्जी काफ़ी हद तक हुए है। और ये सारी चीज़ें होने के कारण ही है कि ताकि आप अपने आप को ढूंढ पाए और फॉल्स लोगों में से अपने आप के ट्रुथ को देख पाए। यानी कि जो फॉल्स लोग हैं, जो कॉन्ट्रास्टिव लोग हैं, वो कॉन्ट्रास्टिव लोग अगर नहीं रहेंगे तो आपके लाइट जो है आप कभी नहीं देख पाएंगे, वो शाइन नहीं कर पाएंगे कॉन्ट्रास्ट के बगैर। तो इसीलिए ये कॉन्ट्रास्टिव लोग है, प्रेजेंस में है। और ये कॉन्ट्रास्टिव लोग के प्रेजेंस में जो आपके इंटिमिडेशन आ रहे, वो इंटिमिडेशन कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। And with the number 8 again, definitely it's an issue. भगवान के मैसेज आपके लिए इन एक्सपीरियंस, आप अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करें। आपको बार बार लग रहा है कि नहीं, मैं उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ। विद नंबर 42 आइज आया आपको सपोर्ट कर रहे और आपको लगता है कि नहीं नहीं, मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मुझसे इतना नहीं होगा, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मुझसे इतना कैसे होगा, मेरा क्या है, मुझे कितना ज़्यादा आता है, मैं क्या हूँ, मुझे क्या आता है, मैं कुछ नहीं हूँ यार, मैं तो कुछ नहीं हूँ। ये वाले जो आपके मेंटालिटी है, सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न,
आई डोंट हैव द वर्थ, मुझ में वो वर्थ नहीं है, मुझ में वर्थ है ना, मुझ में कुछ कमी तो नहीं है ना, मैं वो कर पाऊंगी ना, मुझसे ये होगा ना, मुझसे वो होगा ना, मेरे ड्रीम्स फुलफिल होंगे ना, ये जो स्टेट ऑफ बीइंग है, ये स्टेट ऑफ बीइंग में आप जो है खुद को अटक देते, और ये स्टेट ऑफ बीइंग में अटक देने की वजह से आप हमेशा वो ट्रिप में रहते हैं, एम आई गुड इनफ, एम आई गुड इनफ, एम आई गुड इनफ, और ये वैलिडेशन ढूंढने के चक्कर में आपके प्रोडक्टिविटी रेट में एनर्जी लो हो जाते हैं, और उसके बाद आपके प्रोस्पेरिटी और लक के जो प्रोसेस है उसको भी इम्पैक्ट करने लग जाते हैं. सो सेल्फ लव, एज आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग, इज द की. सो कब मिलेंगे आपको भी ज़्यादा पैसे? बहुत ही जल्दी. यू शैल एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में. थोड़ा सा डिले है क्योंकि कार्ड रिवर्स आया है, लेकिन बहुत ही जल्दी आप अपने ज़िंदगी में पावरफुल चेंजेस देख पाएंगे. बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में और भी ज़्यादा पैसे आ रहे हैं. अगर आप कोई स्पेसिफिक टाइमिंग की बात करें तो मुझे 23 दिसंबर के अराउंड डेट आ रहे हैं. 23 के दिसंबर के अराउंड आपके प्रोस्पेरिटी के जो लक है वो बहुत ही हाइटेंड होने वाले हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा फेवर करने वाले हैं. सो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस. सो फेरी रियान से आपके लिए मैसेज फॉर योर प्रोस्पेरिटी, कम टुगेदर. सो काफ़ी सारे जगह पे आप भाग रहे हैं, काफ़ी सारे जगह से आप अपनी इमोशन से भाग रहे हैं, और जो भी जगह पे आप अपनी इमोशन से भाग रहे हैं और प्रोस्पेरिटी और लक के वजह से अपने आप को कोस रहे हैं, या फिर अपने फिनेंशियल कंडीशन के वजह से आप शायद अपने इमोशनल लाइफ में अपने आप को इमोशनली कोई तरीके से सैबोटेज करे, वो चीज़ की इम्पैक्ट पड़ रहे हैं आपके प्रोस्पेरिटी के एक्टिवेशन में. इसीलिए जो भी डर है, एंग्शियसनेस है कि पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे का क्या होगा, कैसे पैसे के बंदोबस्त होंगे, कैसे क्या शुरू करना है, ये ना सोचते हुए ये सोचिए कि आपके ज़िंदगी में ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी आपके लाइफ कैसे सॉर्टेड है, कैसे आप ऑलरेडी खुश हो, कैसे कौन सी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपके लाइफ में हैं, जो वर्कआउट कर रहे हैं एब्सोल्यूटली, जो परफेक्टली कन्फाइडेड ऑर्डर में वर्कआउट कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा खुश हो उससे. कौन से वो चीज़ है जो एक्चुअली में आपको वो खुशी दे रहे, फोकस ऑन दैट. And more you focus on that, everything else will start to fall in place. It's time to really, really focus on yourself and really, really love yourself. And कोई भी जगह पे अगर आप financial condition के वजह से अपने love life को sabotage कर रहे हैं, तो वही जो sabotaging energy आप अपने love life में डाल रहे हैं खुद के ऊपर, खुद के aspect के ऊपर, वही impact पर रहे हैं आपके prosperity और luck में. तो बिना चिंता करते हुए, विश्वास करते हुए कि पैसा जो है भगवान देंगे, भगवान आपके पैसे के सोर्स है, लोग नहीं है आपके सोर्स, जानते हुए कि भगवान आपके पैसों के सोर्स है, भगवान पे पूरे तरीके से सौंपते हुए, सरेंडर करते हुए, विश्वास करते हुए, जाने देते हुए इस वक्त अपने लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए. क्योंकि आप जितना फन और जॉय की एनर्जी में इस वक्त रहेंगे, ये विश्वास करते हुए, प्रिटेंड करते हुए एज इफ कि आपके पास ढेर सारे पैसे हैं, अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हैं तो आप कैसे बिहेव करेंगे? अगर मान लीजिए कि आपके पास 5 करोड़ रुपए है अभी, तो आप 5 करोड़ रुपए लेके आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग विद द 5 करोड़ रुपए? आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से पैसे को बढ़ा रहे हैं, कौन सी चीज खरीद रहे हैं, कहीं कहाँ पे जा रहे हैं, क्या खा रहे, किस तरीके के ड्रेस पहन रहे हैं, किस तरीके के लोगों के साथ बाहर जा रहे हैं, किस तरीके के लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जिंदगी में उस पैसे को लेके, कैसे आप सोसाइटी के लिए हेल्प कर रहे हैं, आपके कौन से ड्रीम्स आप फुलफिल कर चुके हैं आपके वो पैसे को लेके. वो पैसा ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुका है, पैसा ऑलरेडी है. तो पैसा होने के जो एहसास है, उस एहसास को उपभोग कीजिए और विश्वास कीजिए कि वो पैसे आएंगे आपके पास. सारे चीजें फॉल इन द प्लेस कर रहे हैं, सारे चीजें आर कमिंग टू अ स्टेट ऑफ होलनेस. सिर्फ यही नहीं, टाइम आने वाले बहुत ही जल्दी जब आप बहुत ही ज्यादा बिजी होने वाले,
तो अभी जो टाइम आपको मिल रही है लेजर टाइम, वो लेजर टाइम आपको मिलने भी नहीं वाले। मुझे जो टाइमलाइन दिख रही है 27 दिसंबर, 3 जनवरी, फेब्रुवरी, ये टाइम के आसपास आप इतना रश में हो, इतना बिजी हो, इतना ज्यादा काम है आपके पास कि आप खुद के लिए टाइम भी नहीं निकाल पा रहे हो ठीक से। तो ताकि आप खुद के लिए तब टाइम निकाल पाए और खुद के सेल्फ लव को सैबोटेज ना करें, इसलिए आपको ये प्रिपरेशन टाइम दिया जा रहा है ताकि आप अपने रिलेशनशिप, सेल्फ लव, खुद के लाइफस्टाइल के पैटर्न में बैलेंस रख पाए। क्योंकि जब आपके जिंदगी में स्वर्म और रश आएंगे आपके पैसे के काम के, उस वक्त आपके पास टाइम नहीं रहेंगे। तो अभी आपको टाइम दिया जा रहा है ताकि आप टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके पास इतना ज्यादा कम टाइम रहने वाले, इतना ज्यादा ज्यादा काम रहने वाले कि आप जो है थक जाएंगे और ये टाइम को बहुत ज्यादा मिस करेंगे। और तब जाके समझेंगे कि अच्छा, ये वो टाइम जो था प्रिपेरेशन के लिए था, और थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना था और थोड़ा खुद को प्यार करना चाहिए था। सो थैंक यू एंड लव एंड लाइट टू यू। Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Meanwhile, if you would like to work with me, नीचे दी हुई description box में आपको वो सारी details मिल जाएंगे. If you would like to collaborate with our company and start your own business of tarot or anything like reading, coaching, एनर्जी हीलिंग, क्वांटम एंटैंगलमेंट, कॉन्शियसनेस अलाइनमेंट थेरेपी, एनएलपी, सेल्फ लव, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ये काफी सारे ऑप्शंस है जो मैं सिखाती हूँ कोर्स के थ्रू। नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप मेरे साथ डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं या फिर मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी काम कर सकते हैं। नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो काइंडली हैव अ लुक एंड मीनवाइल डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो हाउ मच दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। Thank you and love and light to you, pile number one. So now moving on to pile number two. Reading शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप जो है काफी हद तक ब्लैक मैजिक, काला जादू, किसी ने ये कर दिया है, किसी ने नजर लगा दिया है, एनिमीज है, एनिमीज नजर लगा रहे हैं, ये सारी चीजों में आप बहुत ज्यादा विश्वास रखते हो। तो अगर रखते हैं तो मैं आपको कहूंगी कि मंत्रा सुनने की प्रैक्टिस कीजिए, हनुमान जी के मंत्रा, काली के मंत्रा, ये सारे चीजें सुनने की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि ये जितने आप सुनेंगे उतनी ज्यादा आपके हार्ड जो है स्ट्रेंथन होंगे, डर आपके कम जाएंगे। क्योंकि डर जो है, आप जब फियर को फीड करते हो ना, तो वो फियर को वो एनर्जी मिल जाती है। तब कोई भी अगर आपको नजर भी लगे तो वो एनर्जी को पावर मिल जाता है। अगर आप एनर्जी नहीं दोगे तो कोई नजर वगैरह में एनर्जी नहीं जाएगा, तो वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। यही होती है सुपरस्टिशन के साथ भी। तो अगर कोई भी जगह पे आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो काला जादू वगैरह से, तो मंत्रा चैंटिंग या फिर मंत्रा सुनना, हनुमान जी के मंत्रा, काली के मंत्रा, ये सारी चीजें सुनना आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाले पाइल नंबर टू। सो आपके मनी को लेके जो आइडियोलॉजी है, थॉट प्रोसेस है कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन है, आप बहुत मस्ती मजाक करते, एंजॉय करते, एक्सप्लोर करते, और एक्सप्लोर करते हुए मनी को बहुत ही ज्यादा ऐश और आराम के साथ स्पेंड करते है। हो सकता है कि आपके सेविंग्स के एनर्जी में दिक्कत होते, सेविंग्स के एनर्जी और उतने अच्छे तरीके से आप नहीं हैंडल कर पाते हो, और शायद आप सीख रहे हो इस वक्त सेविंग्स आप कैसे कर सकते हो। आप इम्प्रोवाइज कर रहे हो अपने मनी के साथ रिलेशनशिप, और कभी कभार होता है कि आपके पास बहुत पैसे, कभी कभार होते हैं कि बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो कंसिस्टेंसी नहीं रहे है। लेकिन आप जिंदगी में बहुत ज्यादा कंटेंट हो, खुश हो, हंसते हुए खिलते हुए इंसान हो, जिनको फर्क तक नहीं पड़ता है कि पैसे है या नहीं, बस जिंदगी में खुश रहे, अपने धुन में है। आपको पता है कि कैसे बहुत सारे मनी को मैनिफेस्ट किया जाता है, अपनी जिंदगी में की है, तो आपके वो फेथ है,
बिलीफ है कि हाँ कर लूंगा मैं, हो जाएगा जब टाइम आएगा, अब तो मुझे अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है, अपने धुन में रहना है, ये वाले टाइप के आप इंसान हो, विच इज ग्रेट। आप इस दुनिया में, इस जगह पे, इस धरती पे आए हैं बहुत ही कुछ बड़ा काम करने के लिए, और वो जो बड़ा काम है वो धीरे धीरे करके आपके लाइफ में रेवोल्यूशन हो रही है। 25th May 2021 एग्जैक्टली एक डेट है जब जाके उस फेज में आपको पूरे तरीके की क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप क्या करने यहाँ पे आए हो, आपके पर्पस पूरे तरीके से अनफोल्ड हो जाएंगे और अपने पर्पस में आप और भी आगे बढ़ पाएंगे। 25th May 2021 के टाइम, 25th May 2021 तक के जो फेज है, इस फेज में काफी सारे टेस्ट्स आ सकते हैं, काफी सारे ट्रायल ट्रिब्यूलेशंस आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, लेकिन ये सारे चीजें आपको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए हो रहे हैं, आपको और भी ज्यादा सीख देने के लिए हो रहे हैं, आपको और भी ज्यादा समझ देने के लिए हो रहे हैं कि आपके अहमियत क्या है और आप इस दुनिया में क्या करने आए हो। यू आर डेफिनेटली योर मैसेंजर ऑफ गॉड, यू आर सर्वेंट ऑफ यशुआ, यू आर मैसेंजर ऑफ गॉड, और आप एक लाइट वर्कर भी है जो इस दुनिया में आए हैं ट्रांसफॉर्मेशंस लाने, मोटिवेशन लाने, अपने पर्पस शेयर करने, और आप अपने लाइफ पर्पस के जरिए आपको सक्सेस मिलने वाले हैं। भगवान से आपके लिए मैसेज, माया रिवर्स दो, दैट इज ग्रेट। आप बहुत टाइम से माया के जाल में, इल्यूजन के जाल में बांधे हुए थे और आप मान नहीं पा रहे थे कि भाई लाइफ पर्पस जीने से ऐसे हो जाते चीजें, बस लाइफ पर्पस जिएंगे, चीजें अरेंज हो जाएंगे, रियली द मनी विल गेट अरेंज, लाइफ पर्पस जिएंगे, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, इस तरीके के थॉट्स आपको सता रहे थे। अब जिंदगी ने शायद आपको एक ऐसे जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि आपको बस नहीं दिख रहा है कि इल्यूजन क्या है, रियलिटी क्या है, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। शायद आपको कंफ्यूजन से हो रहे कि भाई रियलिटी कौन है, इल्यूजन कौन है, क्या है, मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, क्या हो रहे, कि क्या है, क्यों हूँ, क्या हो रहे, ये सारी वो चीजों के वो एनर्जी में। फाइनली गुड न्यूज इज दैट आप एक ऐसी जगह पे आ रहे हो जहाँ पे आप डीप डाइव करते हुए, झांकते हुए सोच रहे हो कि शायद सच में आप है यहाँ पे कुछ अच्छा काम करने के लिए, और ये विश्वास करते हुए आप अपने फियर को, मनी रिलेटेड फियर को जाने दे रही है। मनी रिलेटेड फियर से भी ज्यादा आपको क्यूरियोसिटी है अपने पर्पस के, एंड यू आर अ पर्सन हुज लाइक मुझे पैसे तो चाहिए लेकिन अपने पर्पस जीते हुए कुछ ऐसा करते हुए, दैट आई मेक अ ह्यूज डिफरेंस, देन आई वॉन्ट टू अर्न मनी। सो कब आने वाले है पैसे आपके पास? इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके पास पैसे आने तो चाहिए। नवंबर के लास्ट वीक की एनर्जी मुझे आ रही है, यानी कि ये वीक की एनर्जी आ रही है, ये वीक में आपके पैसे के लेके जो भी ब्लॉग वगैरह है 27 तक खोल जाना चाहिए, और 2 दिसंबर तक आपके काफी सारे ब्लॉग्स से क्लियरिंग हो जाएंगे। जनवरी में आपके पास अच्छे खासे पैसे आएंगे, मुझे मार्च में भी अच्छे खासे फ्लो दिखाई दे रहे, अप्रैल में 2021 में आपके फ्लो मुझे बहुत ही गहरे तरीके से दिख रहे हैं। आपको जो है खुद को और भी ज्यादा विश्वास करने हैं और प्रोसेस को ट्रस्ट करने हैं, सारे चीजें आपके डिवाइन टाइमिंग में, आपके डिजायर के अनुसार अलाइनमेंट में आ रहे हैं। सो फाइनली अ मैसेज फ्रॉम द फेरी रियल, मॉडरेशन। मॉडरेशन इज अ क्लियर कट रेवोल्यूशन की शायद आप पैसे को सेव नहीं कर पाते हो, पैसे को बैलेंस नहीं कर पाते हो। पैसे सेव करना भी एक आर्ट है, जैसे कि आप गिविंग एनर्जी में रह रहे हो तो रिसीविंग एनर्जी में रहना भी इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ पे भी आप पैसे को सेव नहीं कर पाते हो, आपके सेविंग्स में प्रॉब्लम हो जाते हैं, या फिर आप मॉडरेशन के साथ खर्च नहीं कर पाते हो, एकदम से सब खर्च कर देते हो, या फिर बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहते हो, ये जो पैसे को लेके आपके बिहेवियर है, ये बिहेवियर में आपको एक बैलेंस की जरूरत है। पैसे के ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपने बना के रखा है, इस जगह पे आपको एक बैलेंस की जरूरत है, और जितना बैलेंस आप इस जगह पे ला पाएंगे, जितना
सेविंग्स के साथ बैलेंस ला पाएंगे, आई वुड टेल यू कि आप एक अकाउंट रख सकते हो जहाँ पे आप सिर्फ सेविंग्स कर रहे हो। आप जितना भी अर्न करते हो एवरी मंथ, एटलीस्ट यू कैन कीप लाइक 10-20% ऑफ इट इन दैट सेविंग्स अकाउंट एंड डू नॉट इवन विदड्रॉ एनीथिंग एंड डू नॉट इवन टच इट। आप ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कोई कोर्स में, जैसे कि मेरे कंपनी के काफ़ी सारे कोर्स है, तो आप वो कोर्सेस में इन्वेस्ट करते हुए अपने बिजनेस शुरू करते सकते हैं, साइड हसल शुरू कर सकते हैं। ऐसे आप काफ़ी सारे कोर्सेस सीखते हुए साइड हसल शुरू कर सकते, तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते, बट एट द सेम टाइम सेविंग्स के भी बैलेंस की ज़रूरत है। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, पाइल नंबर टू। So do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Meanwhile, if you would like to work with me, नीचे दी हुई description box में आपको सारे details मिल जाएंगे. And as I said, if you would like to start your side hustle, आप अपने खुद के business शुरू करना चाहते हो, then definitely you can go ahead and buy my courses and start your own business. So thank you and love and light to you. So now moving on to pile number 3. अगर आपने ये वाले pile चूज की है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या messages आ रहे हैं pile number 3. आपके money के साथ relationship, आपके money के साथ जो relationship है, you believe in hard work leads to success. आप बहुत ही एक hard working इंसान है जो बहुत काम करते और काम करने के साथ साथ आप प्रोक्रेस्टिनेशन एनर्जी में भी रहते। ऐसा भी हो सकता है कि आप पॉजिटिविटी माइंडसेट में रहते बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते, प्रोक्रेस्टिनेटिव माइंडसेट में चले जाते, क्योंकि आप इतना हार्ड वर्क करते कि आपको थकान आने लग जाते, इतना एफर्ट डालते कि आपको थकान आने लग जाते, और वो जो थकान लेथर्जी आने लग जाती है, वो लेथर्जी के बाद आपने जो काम भी किया है उसके बाद आपके एनर्जी बहुत टाइम ड्रेन हो जाते, और इसलिए हो सकता है कि आप इनकंसिस्टेंसी महसूस करते हो, यानी कि अभी ये कर रहे हो तो अभी वो कर रहे हो, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए काम नहीं कर पाते आप, ये एक दिक्कत हो सकते है आपको बहुत टाइम। आपको शादी करने हैं, जिंदगी में प्यार चाहिए, और जो भी आप कर रहे हो काम वगैरह कर रहे हो ये सब तो ठीक है, लेकिन आपके जिंदगी के मेन एम है शादी करना, घर बसाना और जिंदगी में खुश रहना, और ये शादी करने की खुशी में, शादी करने की इच्छा में, शादी करने के थॉट में आप अपने करियर को काफी हद तक अनदेखा कर चुके हो, और शायद उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिए हो, या फिर आपको शादी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, ये सारे चीज़ों से रिलेटेड कुछ करना है करियर में, क्योंकि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट लव ही है। लव इज़ लाइक द मेन गेम इन योर लाइफ, लव इज़ लाइक द मेन थिंग इन योर लाइफ, लव से आगे कुछ नहीं है आपके ज़िंदगी में। और डेफिनेटली आप एक ऐसे इंसान हो पाइल नंबर 3 जिनके भाग्य चक्रा घूमने वाले शादी के बाद। बहुत लोग होते हैं जिनके ये होते चार्ट में होते कि उनके शादी के बाद भाग्य चक्र घूम रहे। क्यों होता है साइकोलॉजिकली, बिकॉज डीप डाउन अगर आपके शादी करने के वो ख्वाब है तो जब वो ख्वाब मिट जाते हैं तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाती है, वो सेटिस्फैक्शन के बाद आप कोई और चीज़ों के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी चिंता होती है कि शादी, बस जब वो हो जाते तो आपके दिमाग से वो चिंता निकल जा रहे, तो निकल जाने के बाद आप दूसरी चिंता कर सकते हो, दूसरे थॉट प्रोसेस में अपने आप को डाल सकते हो। That is what is also coming in. और 2021-23 के अंदर मुझे दिख रहा है कि आपके शादी भी हो जाएंगे। Romantic love, यहाँ पे भी love के कार्ड आया है, marriage के कार्ड, it's like everywhere, everything is just guiding towards love. So romantic love, Aphrodite, ये जो energy आया है clearly आपके twin flame से related, soul purpose से related, crystal से related, healing से related, love से related, love oracle से related, ये सारे चीज़ों से related ही आपके life purpose है, और आपके ज़िंदगी की खुशी ये सारे चीज़ों में रहना है, spirituality, love, essence, feelings, emotions, ये सारे चीज़ों में आप अगर रहेंगे तभी जाके आपको शांति मिलेगी, तभी जाके आपको success मिलेगी,
तभी जाके आपको जिंदगी में तरक्की मिलेंगी। आपके जिंदगी के तरक्की के सोर्स, आपके जिंदगी के सक्सेस के सोर्स, आपके जिंदगी के सोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनशिप कोचिंग, रिलेशनशिप रिलेटेड स्टडीज, लव रिलेटेड कुछ भी से है। सो इवन इफ यू आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, आई हाईली रिकमेंड यू टू डू समथिंग विद द थीम ऑफ लव। सो लेट्स सी आपके पैसे के लक कब घूमने वाले। बहुत से चीज आप पकड़ के रख रहे हैं, फियर वगैरह आप पकड़ के रख रहे हैं, ऐसे कोई चीज आप कर रहे हैं जो आपको फेवर नहीं कर रहे, लेकिन आप वो चीज शायद कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती जॉब वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, आप यू सेटलिंग फॉर लेस बेसिकली, या फिर आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बस आप कर रहे हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल लग रहा है। तो कोई भी ऐसी जो चीज है जो आप कैप्रिकॉर्न सीजन तक रिलीज करने वाले हो, तो मुझे लग रहा है 23 जनवरी तक काफी सारी चीजें जो आप पकड़ के रख रहे हो वो रिलीज करने वाले हो। तो 23 जनवरी के बाद आपके पैसे को लेके जो भी दिक्कत वगैरह है वो मिट जाएंगे और आपको क्लैरिटी मिलने वाले गहरे तरीके की पैसे को लेके। फाइनली लेट्स सी मैसेज फॉर द फेरीज जर्नी। आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में है और आपके लाइफ पर्पस ट्विन फ्लेम जर्नी और ये सारी चीजों से रिलेटेड है। तो ये अपने जर्नी में फ्लो करते रहिए और भी ज्यादा विश्वास रखते जाइए और मानिए कि आपके पैसे जो है भगवान देंगे। जब अपने दिल की आवाज सुनते हुए, आपके दिल जो चाहते हैं, आप दिल के धुन में गाते हुए, वो रिदम में रहते हुए चीजें ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हो, चीजें कर रहे हो और इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हो, वही चीज आपके जिंदगी में और भी ज्यादा फिनेंसेस को अट्रैक्ट करने में मदद करेंगे। मीनवाइल डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट अगेन। And if you would like to work with me or you would like to buy my courses and invest in your own business after improvising yourself with the amazing skills that my courses bring you, नीचे दी हुई description box में आपको मेरे सारे courses के details मिल जाएंगे, मेरे services के details मिल जाएंगे। At the same time, if you would like to work with my students, सारे details मिल जाएंगे। More to that, if you would like to सेंड आज डोनेशंस, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके भी लिंक मिल जाएंगे। सो थैंक यू एंड लव एंड लाइट टू यू। नमस्ते।